अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वाली मैक्सी मारिया बी का रेप्लिका फैशन फेयर से लास्ट ईयर मैंने ली थी, अपनी भतीजी के लिए ली थी। लास्ट ईयर ली थी या तीन चार महीने पहले लास्ट ईयर ही था। तो इसकी मैंने स्टिचिंग आप लोगों से ड्रेसिंग मैंने भी शेयर कर दिया। ब्लैक कलर की बड़ी नलकी, आपको पता है बहुत ज़्यादा कुछ ब्लैक कलर का सिलने वाला होता है तो इसके लिए रखी हुई होती है। यह बाया मैंने रखा हुआ है। डिटॉक्स वाटर पीने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, गर्मी शदीद हो गई है। इसके अंदर मैंने क्यूकम्बर, लेमन के स्लाइसेस डाले हैं, मिंट लीव्स डाले हुए हैं, थोड़ा सा अदरक का पीस कूट कर डाला हुआ है और इसमें मैंने चिया सीड भी डाले हुए थे। इसको मैंने पीना होता है सुबह 9 बजे से ले कर दिन के 2 बजे तक। डेली नहीं पीना होता, एक दिन पी लेती हूँ, 2 दिन पी लेती हूँ, फिर 2-3 दिन का गैप। आड़ू आ गए हैं, बताएं कौन कौन सा फ्रूट आ गया, ये तो बताएं ज़रा आप लोग के शहरों में कितनी शदीद गर्मी हुई है। कराची में तो शदीद वाली लू चल रही है और हम गर्मी को इन्जॉय कर रहे हैं। फिर इसके बाद मुझे टेबल साफ़ करना था और यहाँ पे मेरा लैपटॉप पड़ा, मुझे इंतज़ार कर रहा है मेरा नीला, मेरे पे काम कर लो। 2 हफ्ते हो गए इस बेचारे को भी मैंने कुछ काम नहीं किया। कुछ वजूहत ऐसी होती हैं कि बंदा आगे पीछे काम हो ही जाता है। फिर एक महीने कहा था कि अपनी आप मेकअप प्रोडक्ट्स भी दिखाया करें, चले आज वो दिखाती हूँ आपको, दिखाती हूँ नीला मेकअप क्या करती है। नीला मेकअप कुछ नहीं करती, किसी शादी में जाती है लिपस्टिक तक यूज़ नहीं करती। नेल पेंट्स का शौक है मुझे, वो भी बहुत रेयर हो गया है अब। ये मेरा हैंड लोशन है, ये मेरी फुट क्रीम है कभी कभी लगाती हूँ, ये मेरा मिस्ट है जो मेरी सिस्टर ने, ये सारी चीज़ें मेरी सिस्टर ने मुझे कैनेडा से भिजवाई हुई हैं। पाकिस्तान से अगर लेती तो कख भी ना लेंदी। फिर इसके बाद ये बॉडी वॉश है जिसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जो स्क्रब करते हैं। ये बॉडी लोशन है। अब 1 साल से ये चीज़ें मेरे पास हैं। ये तो न्यूट्रोजिना यहीं से पाकिस्तान से लिया, सन ब्लॉक के सनस्क्रीन जो हाथों पे लगती है, एवीनो है शायद ये, ज़्यादा कभी एड़ियाँ फटी थी सर्दियों में तब लगा के। और सॉक्स तो मैंने हर वक्त पहन के स्कूल जाना होता तो मैं जली जाती हूँ, एड़ियाँ वैसे मेरी इतनी फटती नहीं है। यहाँ बस इतना ही कुछ स्किन केयर का ख्याल रखती हूँ, अच्छे ड्रेसेस पहनती हूँ, इसके अलावा मेकअप नहीं करती हूँ मैं, क्या फ़ायदा 2-4 किलो लगा के फिर उन्हें साफ़ ही कर दे रहो। अच्छा ये जो है ना, इसके कवर की बात कुछ बहने पूछ रही थी, तो ये जुमा बाज़ार बुध बाज़ार लगता है, वहाँ से भाभी पीसीस में लेके आई थी, मुझे चंगा लगा तो मैंने रख लिया अपने को, अम्मी ने मुझे सी के दिया था इसका शाड़ा। फिर इसके बाद जो मैंने बहन के लिए कपड़े लिए थे वो आप लोगों को दिखाने हैं, और दूसरा ये चेक करना कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं, क्योंकि ये कपड़े लेके मुझे अनस्टिच रख देने होते हैं पेटी के अंदर। फिर जब मेरी भाजी का फरमान होता है और उन्होंने कुछ फरमाना होता है तो फिर मुझे इसको सीना होता है, फिर हुक्मनामा सादिर करती है वो। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं कपड़ा घर ला के एक दफ़ा ज़रूर, फ़र्ज़ करो सहन में खड़े हो, फ़र्ज़ करो कमरे के अंदर हो तो रोशनी जला लो, तो आप इस तरह आर पार करके देखा करें कि इसमें वो एक तार सी बनी होती है, वो तो नहीं कपड़ा कहीं से छिजा तो नहीं। ये ऑफ वाइट और ब्लैक आपने देखा, ये मैंने कोई एक डिज़ाइन देखा हुआ है, उसको मैंने कम्प्लीट करना है लेकिन पता नहीं कब करना है। कमीज़ और ट्राउज़र एक जैसा बनेगा यहाँ पे, और 6 गज़ कपड़ा वाइट ऑफ वाइट लिया था और ब्लैक मैंने 1.5 गज़ लिया था। दूसरा ये वाला जिसका पंगा शुरू से पड़ा हुआ है और अभी तक पड़ा हुआ है कि इसके एक साइड पे पता नहीं उन्होंने कलर के छीटे लगा दिए हैं और एक साइड पे जैसे वो लाइन नहीं आती। आइंदा से अब मैं सोच रही हूँ डायर भी चेंज कर लिया जाए, कपड़े वाली दुकान भी अब थोड़ी सी चेंज करके देख लेनी चाहिए कि शायद कपड़ा हम ज़्यादा ले लेते हैं तो कपड़े के अंदर वो खामी आ ही जाती है। लेकिन शॉपकीपर से आप लोगों ने बात करके आनी होती है कि अगर कपड़े में ख़राबी हुई, क्योंकि दुकान पर तो इतना ज़्यादा कपड़ा देखा नहीं जाता ना, तो हम एक्सचेंज करवाएंगे, क्या ही फ़ायदा इतने ज़्यादा महंगे कपड़े लेने का। फिर ये वाला जो ड्रेस है ऑफ वाइट, आपने जो सेम कपड़ा पीछे देखा अपने ड्रेस के लिए लिया है, तो अपनी बहन के लिए भी शमीज़ के लिए और ट्राउज़र के लिए वही लिया है। दुपट्टा इसका ये वाला है शिफॉन का, इसने जो मेरा ऑफ वाइट ड्रेस था ना उससे देख के कहा था कि मुझे वो दे दो, मैंने कहा नहीं इस दफ़ा ऑफ वाइट नहीं दूंगी मैं, मुझे अच्छा लगा है, उसके साथ मैं लेसिस वगैरह भी लेके आई हूँ, इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि बड़ी ईद पे वो ड्रेस मैं स्टिच कर लूँ। ब्रीदेबल कपड़ा है, अस्तर भी मैंने लॉन का ही ले लिया ना, यानी कि सूती, तो फिर उस हिसाब से वो अच्छा लगेगा। फिर ये वाले कुर्ती का कपड़ा है, इसके फ्रंट एंड बैक एक जैसे हैं, ये बहुत नेट के ऊपर भी इन हुआ था छोटी ईद पे और अब ये शिफॉन पे भी आ गया हुआ है। तो बहरहाल इसे मैंने चेक किया, चेक करने के बाद इसे मैं पैक कर दूंगी, पैक करने के बाद इन्हें मैं पेटी जवाड़ देना। फिर इसके बाद ये जो ग्रे कलर का था, हुआ ये था कि ग्रे कलर का ड्रेस मुझे अपना पसंद आया था तो उसमें उन्होंने अस्तर का कपड़ा मेरी जो मुझे मिकदार चाहिए थी कपड़े की उसके हिसाब से 5.5 गज़ काट दिया था। लेकिन जब मेरी बहन है वो कहती हैं कि मैंने कमीज़ के नीचे पलटे भी लगाने, अस्तर साथ स्टिच करना है, मैं कहा चलो जी हो गया काम। फिर मैं आपको दुपट्टा खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि शॉप के ऊपर आपको ये ड्रेस मैं नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि जिस वक्त यह पसंद किया जा रहा था उस वक्त मैं अपनी बहन से वीडियो कॉल कर रही थी। ये कट दाने वाला काम है और कट दाने वाले काम के साथ वो वाला कट दाना है जिसके किनारे पहले तो धागे को काट दिया करते थे, लेकिन ऐ वाला कट दाना मुलायम खूबसूरत है, ऐसे जैसे कि संगे मरमर बना हुआ होता है। इसकी लाइनों में छोटे छोटे पोत के मोती के साथ फ्लावर्स बने हुए हैं और साथ में
खूबसूरती है, माशाल्लाह बहुत प्यारा ड्रेस है। इससे जब आप पहनेंगे, जाहिर सी बात है किचन में कुकिंग तो करेंगे नहीं, शादियाँ ही अटेंड करने जाते हैं ना, या फिर कोई पार्टी तो वहाँ पे लाइट्स होती हैं, वो टिंग चिंग 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 करके जब आपके ऊपर पड़ेंगे आप वखरा ही दिखेंगे। सबसे प्यारा है, बहुत प्यारा ड्रेस है माशाल्लाह। ये मुझे पसंद आया था, ऐसे ही मैं छाटता सी। फिर जनाब मैं गई थी तारिक रोड डॉलमेन मॉल, वहाँ से मैंने कुछ ब्रांड्स के कपड़े लिए हैं। ब्रांड्स के कपड़े मैं क्यों नहीं ख़रीदती वो मैं रीज़न आपको अभी साथ साथ बताती हूँ। ये वाला ऑर्गेन्जा का फैब्रिक दुपट्टे के तौर पे मैंने आज से 3 या 4 साल पहले या 5 साल पहले लिया था। ये मैंने निकाला हुआ है कि इसके साथ मैं कोई काम करूँगी, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा मैं बनाऊँगी नहीं, लेकिन जैसे कि आप कहती हैं अगर ड्रेस के आगे लगाना बताएं, स्लीव के आगे हो गया या फिर ट्राउज़र्स में कहीं हो गया, तो मैंने कुछ काम करने मेरे जहन में, पहले तो मैं कोई अच्छा कढ़ाई वाला ढूंढ रही हूँ जिसको मैं जो पैटर्न दूँ उस हिसाब से वो हो जाए। जिनके साथ मुझे जानना है वो थोड़े अपने पर्सनल इश्यूज़ में बिजी हैं तो वो ज़रा वेली होती हैं, तो फिर ऐसे भी वेले होकर काम करा लेने, कोई अड़ी आखर नहीं आई हुई। अच्छा, सबसे पहले द मोस्ट फेवरेट ब्रांड ऑफ माइन निशात, शुरू से पसंद है मुझे, अभी तक पसंद है। इनके कपड़े की क्वालिटी देखिए, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, अगर आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे ज़रूर बताएगा। इनसे मुझे लेना था ये वाले जो होते हैं ना सादे, अब ये है इनके पास फ्रीडम टू बाय का एक तो ऑप्शन बहुत प्यारा है, दूसरा ये कि फ्रीडम टू बाय में अगर आपको कमीज़ का कोई कपड़ा पसंद आ जाता तो आप वो पूरा सूट ले लो, अगर आपको शलवार का कपड़ा पूरा पसंद आ जाता तो जैसे कि सिंपल ड्रेसेस तो शुरू से ही चलते ही चले आ रहे हैं ना, यह जरा कपड़ा धागा होते नज़र आ रहा है, कलर का तो कपड़ा ही नहीं सीगा होना को, कितों धागा आ गया। तो मैंने किसी ड्रेस की ना शलवार में से ज़्यादा कपड़ा 2.5 गज़ ले लिया, इसका मैं सूट बनाऊँगी। फिर ये वाला मुझे पोल्का डॉट्स वाला कलर भी प्यारा लगा था, और इनका कपड़ा तो मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है। ये ऑफ़ में लगा हुआ था वो भी, अच्छा मैंने कोई ऑफ के चक्करों में वहाँ चक्कर नहीं लगाया था, मैंने इसलिए चक्कर लगाया था कि बंदा देखे तो सही बाज़ार के अंदर आता क्या है, वही सब कुछ जो लोकल मार्केट में प्रिंट्स आते हैं। बता रही हूँ मैं आपको कि आप कपड़ा लेने जाओ, आप अपना किराया खर्च करके जाओ, तो उसके ऊपर अगर वो फ़र्ज़ करो 3500 का सूट है, 500 रुपया ऊपर लग रहा है टैक्स, तो मैं आइंदा से ये प्रेफर करूँगी कि मैं जाऊँ ऐसी मार्केट में, लोकल मार्केट में, जहाँ किराया थोड़ा सा बेहतर लग जाए तो जाके मैं कपड़े ख़रीदूँ, तो उस महंगाई के हिसाब से जो कपड़ा है उससे मुझे वो बजट में कपड़ा आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो ब्रांड से अब काम शुरू कर दे, निशात ने नहीं किया ये काम शुरू, निशात की नहीं मैं कर रही, जो दूसरी ब्रांड से शुरू किया है बड़े अर्स का कपड़ा, जैसे कि मैंने ये इस दफ़ा सना सफीनास से लिया, ये इनकी डमी ने पहना था, मुझे बड़ा प्यारा लगा, कंट्रास्ट भी बड़ा खूबसूरत है, कपड़ा भी यकीनन अच्छा ही होगा। लेकिन बात यह है कि बड़े अर्स के कपड़े देने की क्या तुक बनती है, इसके अंदर जो मतलब कोई हैवी साइज़ है, मैं लार्ज साइज़ हूँ, मैं भी जब ट्राउज़र बनाऊंगी तो कहीं ना लंबाई बनेगी, दो ही ऑप्शन है, या तो फिर आप शलवार बनाओ सिर्फ, या तो फिर आप इस तरीके का ट्राउज़र बनाओ जो बाद में फिर बहनें कहती हैं दें तो उसकी फ़िटिंग इतनी टाइट हो जाती है तो फिर वो ट्राउज़र फट रहे हैं, खिंच रहे हैं, कपड़े की मकदार पूरी नहीं है। अल्लाह का वास्ता उन्हीं कपड़ों पर वापस आ जाओ, 40 इंच चौड़ा था और 2.5 गज़ दिया करते थे। बड़े अर्स के कपड़े ट्राउज़र की शक्ल में पूरे नहीं पड़ते हैं, ये मकसद मेरा कहने का है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैंने देखा, फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब मैं आइंदा से अब इस तरह के कपड़े नहीं लूँगी, भले क्योंकि देखिए लोकल मार्केट से बड़े अर्स का कपड़ा मिल रहा है। मैं कह रही हूँ कि मैंने ट्राउज़र बनाना है तो वो कपड़ा मैं लेकर आती हूँ तकरीबन कोई 2 गज़ के करीब, ठीक है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है ना, यहाँ तो आप बाउंड हो इतना ही कपड़ा मिलेगा। फिर जनाब लाइम लाइट के ऊपर जब मैंने कहा कि मुझे ये सूट खोल के दिखा दे, कहते हैं ये आप यूँ ही जो टंगा हुआ देख ले, अगर मैंने वहाँ देखा हुआ होता ना, मुझे तो ये कलर पसंद आया, कमीज़ का डिज़ाइन पसंद आया, मैंने घर आके देखा इसके ऊपर भी ट्राउज़र का वही हाल है। पिछली दफ़ा तक ट्राउज़र जो मुझे मिला था वो 40 इंच चौड़ा कपड़ा 2.5 गज़ मिला था, लेकिन ये फिर उन्होंने वही पंजाबी च कहीं खच मारती है कि बड़े अर्स का कपड़ा दे रहे हैं 2.25 गज़। अब मुझे बताएं कि मैं क्या ही करूं, साइड पे बॉर्डर है वो कमीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा। देखिए कमीज़ का प्रिंट मुझे लाइमलाइट इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है कि इसके ऊपर ये ब्लॉक प्रिंटिंग बड़ी अच्छी सी, एक दो ड्रेसेस मैंने पहले भी लिए थे इसमें से 2 तो मेरे सोल्ड आउट ही हो गए थे, और एक ग्रीन मेरा अभी तक पड़ा हुआ है जिसे मैंने पहना, ये दूसरा ग्रीन होगा। ये मैंने 2 पीस ही लिया है, और इसके साथ दुपट्टा मैं वाइट कढ़ाई वाला भी चला सकती हूँ, वैसे तो मैं स्ट्रॉलर लेती हूँ ना इस वजह से, इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन भी बड़ा हसीन लग रहा है, प्यारा सा ऐसा जैसे कि फेस्टिव वाइब्स आ रही होती है ना, जैसे कि अभी ईद आने वाली है उसके हिसाब से। फिर इसके बाजू के आगे ये बॉर्डर, ये जो पिंक्स है ना इसके बाजू के आगे, और ये बाजू का इस तरीके से पैटर्न है। चलें जी, जितनी बुराइयाँ मुझे करनी थी या जितनी रियलिटी मुझे आपको बतानी थी, अंदर से अगर कोई ब्रांड इस तरीके का कपड़ा बनाएगा तो मैं ख़रीद लूँगी, वड्डे अर्जाले कपड़े होने में ख़रीदने, अल्लाह मुझे बचाना। फिर जी इसको मैं इस तरीके से बाजू आपको दिखा रही हूँ, 2 बाजुएँ दी हैं, यकीनन हर इंसान की 2 बाजुएँ होती हैं इसलिए 2 बाजुएँ दी हैं, लेकिन बैक के ऊपर का मुझे डिज़ाइन ही नहीं समझ में आया कि कितना यूरो है कितना मुकुंड है, वो तो अल्लाह का शुक्र है नीचे बॉर्डर दिया
किया हुआ है। तो ये चीज़ मुझे लाइमलाइट वालों की नहीं बेहतर लगी कि उन्होंने मुझे कपड़ा खोल के नहीं दिखाया। मैं डोलमन मॉल गई थी, डोलमन मॉल ये तारिक रोड पे। फिर जी ए हो गया जी साढ़ा दूसरा सूट कंप्लीट, लेना तो था ना, क्या बनीला गई थी मरती क्या ना करती। सबसे प्यारा सूट मुझे मेरी अम्मा जानी का लगा है, क्योंकि फ्रीडम टू बाय में जब भी लेने जाती हूँ उनकी मर्ज़ी के कलर नहीं मिलते। आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने अपने ड्रेसेस डार्क कलर के लिए हैं, डार्क कलर के इसलिए लिए हैं कि बस मुझे पसंद आ रहे हैं तो मैंने ले ली हैं। ये पिंक कलर की शलवार है प्योर इसी मम्मा यानी के लिए, और ये कमीज़ है और ये दुपट्टा है। अब कमीज़ कहाँ से मिल रही है दुपट्टे के साथ, जो कमीज़ के साइड पे बॉर्डर दिया हुआ है ना उसके साथ। अब जो बॉर्डर साइड पे दिया होता है वो अम्मी के मैं दामन पे लगा देती होती हूँ, बाजू के आगे लगा देती होती हूँ, या फिर अम्मी कहती है मेरे पंचा पे ला दे। मेरी अम्मी को बड़ा शौक है ये पट्टियाँ पंचों पर लगाती हैं ना, तो कहती हैं इस तरह बना दिया करो, बस यहीं से ही दुपट्टा और कमीज़ बहन भाई लग रहे हैं, वरना तो ये लग ही नहीं रहे। तो कलर प्यारा है ना, बताइएगा अम्मी का ड्रेस कैसा है। तो ये मेरी तरफ से मम्मा यानी को गिफ्ट। पिछली दफ़ा उनको मैंने उनके हाथ में पैसे दे दिए थे और इधर उधर दिंदे फिर दिया, मैंने कहा इस दफ़ा मैं सूट ही बना के देती हूँ आपको, और फिर दूसरा टू पीस लो ना, तो फिर कहती है मेरा दुपट्टा नहीं है, तो इसमें दुपट्टा भी होता है ना इस वजह से। चलिए जनाब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।